मैं देख रहा हूँ आपके पूरा मतलब पूरा आपका शॉप भरा हुआ है, काफी अच्छा लगा। इसे प्लांटेशन में रखते हो इनको तो बेहद और सुंदर कलर दिखाएगा, प्रोमिनेंट कलर आएगा। तो ये 6 to 7 inches के पिकॉक बाज है। यस हाँ, वो रेड फायर हील है, स्मॉल साइज में अवेलेबल है अपने पास। ये स्पॉटेड हील है। यस काफी सुंदर है। यस ब्लैक हील करके है, ऐसा लगता है कि स्नेक ही है। यस ये ऑलमोस्ट स्नेक की तरह दिखती है और इसको लंग फिश करके बोलते हैं। अच्छा बड़ा होता है। हाँ और इसका खासियत है कि ये बिना पानी का कीचड़ में करीबन 4 साल तक जिंदा रह सकता है। और बाप रे रेड बंजारा अरवाना है। अच्छा दोस्तों मैं आज हूँ एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर में और आज मैं इनके पास आया हूँ न्यू एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है उनकी डिमांड आ रही थी कि आप एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर जो डोंबिवली में लोकेटेड है आप कब कवर करने वाले हो, वहाँ का स्टॉक आप कब कवर करने वाले हो। तो दोस्तों आज मौका मिल रहा है मुझे एक्वा वर्ल्ड में आने का और यहाँ का पूरा एंटायर स्टॉक है वो कवर करने का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग मुलाकात करते हैं एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर के ओनर से जिनका नाम है विवेक कदम। तो हमारे सामने है एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर के ओनर। हाय सर आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक, आप कैसे हो सर जी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ सर। और मैं देख रहा हूँ आपके पूरा मतलब पूरा आपका शॉप भरा हुआ है, काफी अच्छा लगा। काफी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के फिशेस भी आए हैं। Yes. और स्टॉक अभी अपडेट हुआ है हाल ही में। यस 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 सो होप सो लास्ट टाइम की तरह इस टाइम भी सबको पसंद आए। यस तो हम स्टार्ट कर सकते हैं सर वीडियो को। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट टाइम से ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जैसे बोला था कि प्लांटेशन में एक एंजल्स रखोगे तो उसका कैसे कलरेशन वगैरह है, तो लास्ट टाइम हमने जो हाई कवर कोई एंजल्स देखे थे तो उनको मैं एक छोटा सा प्लांटेशन जस्ट नॉर्मल प्लांटेशन सेटअप किया था उसमें रखा था, अब उनका कलरेशन और वो देख सकते हैं तो उससे स्टार्ट करते हैं। चलेगा। तो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ एंजल फिश, आप देख सकते हैं उनका रेडीनेस, जो कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। हर एक अब एंजल फिश को देखो कितना वाइब्रेंट कलर है वो दिखा रही है। तो सर इनके बारे में बताइए। ये लास्ट वीडियो में सर हमने कवर किए थे हाई कवर कोई एंजल्स। yes. वही कोई एंजल्स है। हाँ. और जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि आप जैसे प्लांटेशन में रखते हो इनको तो बेहद और सुंदर कलर दिखाएगा। yes. प्रोमिनेंट कलर आएगा। तो एक छोटा सा सेटअप किया था डेकोरेटिव पर्पस के लिए। और ये फिश काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट हुआ है अभी। yes. और साइज में फुल अडल्ट साइज है इनका। और यही सेम लास्ट प्राइस के ऊपर जैसे 1000 rupees पर पीस है। yes. तो प्राइस में अभी भी अवेलेबल है। क्या साइज है इनका? सर ये ब्रीडिंग स्टॉक है अभी ये। अच्छा. लास्ट फुल एंड मतलब ऑलमोस्ट फुल साइज हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉडी साइज आप देखोगे तो 3 inch का बॉडी साइज है। फिन टू फिन देखोगे तो एक अराउंड 7 to 8 inch के आसपास चला जाएगा फिश। और बेहद सुंदर फिश है। यहाँ पे दोस्तों मैं पिकॉक बस कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के पिकॉक बस है सर, इनके बारे में बताइए। सर ये 6 to 7 inches के पिकॉक बस है। यस ओके। एक एक पीस छोटा है। हाँ बाकी सब फिशेस मतलब ऑलमोस्ट एक फिश जो है वो 5 inch का है। हाँ और बाकी एक 6 inch प्लस ही है। तो इसमें आपको 3 types के पिकॉक बस है। इसमें आपको अजूल मिलेगा देखने को, उसके बाद 2 ओरिनोको पिकॉक बाज है और एक गोल्डन केलबेरी स्पाइडर जो बोलते हैं वो। yes. एक वैरायटी ऐसे 4 पिकॉक बाज अभी अवेलेबल है मेरे पास। यस और काफ़ी अच्छा है स्टॉक भी, आप देख सकते हो पूरा सेट फिश है। यस एंड ये आपको आएगा 1800 पर पीस। अच्छा यस yes. इसमें स्मॉल साइज पिकॉक बाज है सर। और ये 3 inch के पिकॉक बस है, 3 to 4 inch के बीच के है। yes. और ये सब अजूल पिकॉक बस है। हाँ हाँ। और ये आपको आएगा 1200 का पेयर। अच्छा क्या साइज है इनका? ये सर 3 to 4 inches के है, स्पेसिफिकली अजूल पिकॉक बस है। ये चॉकलेट टॉकिंग कैटफिश है। हाँ और ये सिंगल पीस है अभी।
और ये भी 3 इंचेस की है और ये आपको आएगी 300 रुपीस पीस में आएगी। और सेनेगल ये बीचर का एक वैरायटी है, ग्रीन सेनेगल्स जिसे बोलते हैं ना, हाँ ग्रीन सेनेगल्स है, 6 इंच साइज में है अभी, हाँ और 6 इंच प्लस ही है, हाँ और काफ़ी एक्टिव भी है, आप देख रहे हो कैसे एकदम फुल टैंक कवर कर रही है। यस, और ये आपको 700 रुपीस पीस में आएगी और बड़ी होगी ये, बहुत सुंदर वैरायटी है। और उसके अंदर आप नीचे देख सकते हो एक रेडटेल कैटफिश है, हाँ और रेडटेल कैटफिश आपको आ जाएगा 500 रुपीस पेयर में। सो इसके अंदर क्लाउन नाइफ फिशेस है, हाँ 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 ओके, नॉर्मल नाइफ नहीं है, क्लाउन नाइफ है, उनके बॉडी पे स्पॉट्स रहते हैं। यस, और बड़ा होता है वैसे, बहुत सुंदर दिखता है। यस, अभी करीबन 3-3.5 इंच के है और ये आपको 300 रुपीस पेयर में अवेलेबल है, मतलब 150 रुपीस पर पीस आपको मिल जाएगा। ये सब रेड ज्वेल्स है, हाँ और इनके बॉडी के ऊपर ब्लू स्पॉटेड स्पॉट्स भी है, बहुत अच्छे तरीके से सेट फिश है ये। यस, और ये आपको 150 का पेयर आएगा, 75 रुपीस पीस में आएंगे। सेवरम्स है दो टाइप के, और इसमें रेड स्पॉटेड सेवरम्स है और ग्रीन सेवरम्स है। यस, दो तीन पीस आपको रॉटकिल ग्रीन सेवरम्स जो बोलते हैं वो भी है। हाँ, तो ग्रीन सेवरम्स जो है, नॉर्मल ग्रीन सेवरम्स, वो 200 के पेयर है। रेड स्पॉटेड आपको 500 रुपीस पेयर में आएगा और रॉटकिल जो ग्रीन सेवरम्स है वो 500 रुपीस पेयर है। रॉटकिल कौन सा है क्या? यस, वो रेडिश हो जाता है ज़्यादा बॉडी, और पैटर्न भी आप देख सकते हो उसका, बहुत सुंदर होता है, मतलब ग्रीन का ही वैरायटी है बट थोड़ा रेडिश रहता है बॉडी साइज। और एक ग्रीन, यस वो ग्रीन सेवरम्स, ये वीएच एक मेरे पास बचा है, तो अपना एक राजकोट का दोस्त है उनका ये पीस है, तो उनके लिए रखा हुआ है। यहाँ पे सर डॉलर्स है और 3 इंच साइज के है डॉलर्स, 2.5 से 3 इंच के हैं, बड़ी साइज है थोड़ा। ये 100 रुपीस पेयर में है, 50 रुपीस पीस में है। फिशर वुड है वो 150 का पेयर है। और ये सर बाप्स, ये ग्रीन बैंडेड बाप्स है सर, हाँ, और ये एक्सोटिक वैरायटी में आते हैं, ये 300 रुपीस पेयर है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यस, ये काफ़ी ज़बरदस्त बाप्स है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जायंट मॉन्स्टर फिश का टैंक है, तो सर इनके बारे में बताइए। सर इसमें करीबन 5 वैरायटी के फिशेस है। यस ओके, ये आप सामने के देख रहे हो स्नेकेड है, स्ट्रिप स्नेकेड जिसको बोलते हैं। हाँ, ये आपका टाइगर ऑस्कर्स है। यस, करीबन 6 इंच का है ये। हाँ, इसके बाद आपको एक सेवरम देखने को मिलेगा। यस, जो भी ये भी आपका 5-6 इंच का ही है, ये कॉपर ऑस्कर है। यस, एंड बिग साइज चना आप देखने को मिलेगा। हाँ, इसको चना स्टीवर्ट ही है, ये ऑलमोस्ट 12 इंचेस का है। यस, और एक बड़ा साइज का अपने पास अभी मॉन्स्टर फिश आया था, ये रेड बंजारा अरवाना है। अच्छा, तो आपको काफ़ी ये बड़े साइज के फिशेज है और सब मॉन्स्टर फिशेज है। क्या इनका प्राइसिंग है सर? चना स्टीवर्ट ही आपको आ जाएगा 1500 रुपीस पर पीस। अच्छा, उसके बाद टाइगर ऑस्कर जो है वो 600 रुपीस का पीस है। हाँ, कॉपर ऑस्कर आपका 900 रुपीस पीस का है। यस, काफ़ी बड़े हैं ऑस्कर। यस, और ये जो है, हाँ, ये आपको 1200 रुपीस पर पीस है। अच्छा, ये आपको 800 रुपीस पीस में आएगा। और ये अरवाना आपको आएगा 25,000 में। तो दोस्तों कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो ज़रूर इनके लिए आप कॉल कर सकते हो। ये सर 20 इंच का अरवाना है, काफ़ी बड़ा है। हाँ, यस, और आप तो ब्रॉड में भी देख सकते हो, में भी काफ़ी है, काफ़ी मजबूत है ये। और मतलब आप फिंगर रख रहे हो तो ये मेरे हाथ का देखोगे आप तो पूरा कवर कर रहा है। यस, और ज़बरदस्त अरवाना है, लेकिन बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं इसके लिए बायर जो है वो लोकल का ही ढूंढ रहा हूँ। लोकल में ही अब बायर, मतलब मुंबई और नियर बाय लोकेशन पे सेल करने की कोशिश है।
काफ़ी बिग साइज में है। यस, ये सिल्वर अल्बानाज है, स्मॉल साइज है। यस, करीबन 4.5-5 इंच के है ये। हाँ हाँ, और ये आपको 700 रुपीज पर पीस में आएंगे। अच्छा, सिल्वर अल्बानाज है ये। उसी में आपको लोचेस का एक वैरायटी दिखेगा, क्लाउन लोच। ठीक है, हाँ, जो मॉन्स्टर वैरायटी है। यस, और बेहद सुंदर फिश है, मॉन्स्टर है, लेकिन आप डिस्कस के साथ भी इसको काफ़ी लोग रखते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता, ये सेमी अग्रेसिव फिश में है। और ये आपको आएंगे 500 रुपीज पेयर में। और सर, ये इसके अंदर दो टाइप के ईल्स है सर। हाँ, एक जो छोटी जो मुंह इसका दिख रहा है, हाँ, वो रेड फायर ईल है, स्मॉल साइज में अवेलेबल है अपने पास। और दूसरा जो है वो ट्रैक ईल है। अच्छा, और वो भी करीबन 8 इंच के, 8 इंच प्लस है। हाँ, और फायर ईल जो है वो करीबन 6 इंच की है। तो फायर ईल का प्राइस है 850 पर पीस, और जो आपका ट्रैक ईल है वो आपको 800 रुपीस पीस में आएगा। बहुत ही सुंदर वैरायटी है, अभी बहुत ज़्यादा हिडन स्पेस में, हिडन में रहने का ये है उनका नेचर है, उसी वजह से छुपी हुई है और सेट है लेकिन। यस, हाँ। उसके बाद उसी टैंक में सर आपको सेल्फिन प्लेकोस देखने को मिलेंगे, छोटे साइज में, हाइफिन प्लेकोस भी बोलते हैं उनको, एक नज़दीक नहीं है आपको। हाँ, यस, उनके बॉडी के ऊपर आपको स्पॉट दिखेंगे। यस, और बहुत सुंदर होता है ये, उसका जो डोर्सल फिन है वो बड़ा हो जाता है, और उसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है नॉर्मल प्लेकोस के मुकाबले। और ये आपको 150 रुपीस पीस में मिल जाएंगे। ये स्पॉटेड ईल है। यस, और ये करीबन 10-12 इंच की है। हाँ, 10 इंचेस प्लस, 10-12 इंच के बीच में है ये, और ये आपको 1000 रुपीस पीस में आएगा। बड़ी साइज़ में है ये ईल, बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। यस, सेट भी है, खाली फीडिंग के वक्त आपको ज़्यादा घूमते हुए दिखते हैं ईल्स। तो ईल फिश की अलग अलग वेराइटीज है एक्वावर्ड एक्वेरियम स्टोर में, ज़रूर इनके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑस्कर, ये कॉपर ऑस्कर्स है। हाँ, अभी 3 इंच साइज में है अपने पास। यस, 3-3.5 इंचेस के आसपास है। यस, ये 400 का पेयर है, 200 रुपीस पर पीस आएंगे आपको। अच्छा, और ये यहाँ पे, यहाँ पे फायर रेड एंड अल्बिनो ऑस्कर्स है। यस, फायर रेड आपको आएंगे 500 रुपीस पेयर, और अल्बिनो ऑस्कर्स जो है वो 400 रुपीस पेयर में है, और ये भी 3-3.5 इंच के हैं। इसी टैंक में आपको सर एक चना का वैरायटी दिखेगा, स्टीवर्टी। यस, हाँ, चना स्टीवर्टी करके हैं, मेल है, और ये स्मॉल साइज में अवेलेबल है। हाँ, और ये आपको 800 रुपीस पीस में आएगा। यहाँ पे सर ब्लैक ईल करके है। हाँ, हाँ, जिसमें जैसे स्मॉल जो ईल्स रहती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, दोस्त वो छुपना ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, बेहद ही सुंदर और छोटा साइज का फिश है। यस, हाँ, डॉर्स वैरायटी ईल है, रेयरली मिलती है ये सर। हाँ, काफ़ी रेयर, सुंदर है ये वैरायटी, ऐसा लगता है कि स्नेकी है। यस, ये ऑलमोस्ट स्नेक की तरह दिखती है, बट है ईल। हाँ, और ये आपको 600 रुपीस पीस में आएगा सर। तो सब देख सकते हैं अनोखी वेराइटीज़ इस बार हमें देखने के लिए मिल रही है एक्वावर्ड एक्वेरियम स्टोर में। तो ज़रूर यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो, इनको आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ऐसे एक्जोटिक एक्वेरियम फिश के लिए अभी आप देख सकते हो इसको, ये ईल को मैंने वीडियोस के साथ रखा है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर में रह रही है। यस, यस, ये है अग्रेसिव। हाँ, लेकिन मतलब सेमी अग्रेसिव है। ये आप उसको पहले सेवरंस के साथ भी रख सकते हो। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम जैसे मेरे पास एक गुंज कैटफिश आया था ना। हाँ, वैसी ही एक अनोखी वैरायटी है, काफ़ी लोग जानते होंगे ये फिश को। यस, इसको लंग फिश करके बोलते हैं। अच्छा, काफी बड़ा होता है। हाँ, और मॉन्स्टर वैरायटी में है ये फिश, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे और बेहद सुंदर दिखता है ये।
उसके टेंटिकल्स जो है आगे की तरफ फिन, वो मतलब काफ़ी सुंदर, उसको और सुंदर बनाते हैं। तो ये लंग फिश है, अफ्रीकन लंग फिश जिसे बोलते हैं, और इसका खासियत है कि ये बिना पानी का कीचड़ में करीबन 4 साल तक जिंदा रह सकता है। अरे बाप रे, ये अफ्रीका में जब समर के दौरान पानी चला जाता है हाँ। तो उस वक्त ये ज़मीन के अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं और बिना पानी के 4 साल तक जी सकते हैं। मतलब इनके अंदर लंग्स रहते हैं जैसे नॉर्मल अपने इंसान जैसा रहता है ना, वैसे ही। तो ये एयर से ब्रीथ करते हैं। अच्छा, तो यही इनकी खासियत है। और काफ़ी मॉन्स्टर भी होते हैं, अभी हाल ही में आया हुआ है इसीलिए अभी सेट नहीं है हाँ। सेट होगा तो ये पूरा टैंक कवर कर लेता है। आपको यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे लंग फिश के। और अफ्रीकन लंग फिश आपको यहाँ पे 3200 पर पीस में मिलेगा। क्या साइज से अलग बड़ा होता है ये? ऑलमोस्ट आपका 4 फीट तक चला जाएगा। 3-4 फीट यस। ये मॉन्स्टर वैरायटी है सर, बेसिकली रिवर्स में पाया जाता है अफ्रीका में। अफ्रीकन लंग फिश इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो भी अपने पास अफ्रीकन लंग फिश है और काफ़ी जाइंट होता है ये भी। आपको रिवर मॉन्स्टर के जो अपना सीरीज था हाँ। उसमें आपने इसको देखा होगा। तो ये रिवर मॉन्स्टर के सीरीज में ऐसी जैसे लास्ट टाइम हमने गुंज कवर किया था हाँ। वैसी ही एक अनोखा फिश है लंग फिश और रेयर फिश है सर। ये कॉपर ऑस्कर है, सॉरी टाइगर ऑस्कर है सर हाँ। ये 4 इंचेस के है और ये आपको 400 रुपीज़ पेयर में है। 200 रुपीज़ पर पीस मिलेगा आपको। और यहाँ पे सर इसके अंदर टाइगर बार्ब्स है, उसके बाद हेवन बार्ब की वैरायटी है, हेवन कार्प है सॉरी, उसके बाद वेनस फिश भी है इसमें, ऑलमोस्ट बिग साइज में है वेनस। एंड 3 पीस अभी ये है गोल्डन बार्ब्स बिग साइज में, काफ़ी बड़ा है ये गोल्डन बार्ब्स। नॉर्मली फर्स्ट टाइम मैं इसे देख रहा हूँ इतने बड़े बार्ब्स, तो लगते है 3-3.5 इंचेस के है। यस यस यस, ये काफ़ी बड़े गोल्डन बार्ब्स है हाँ। टाइगर बार्ब्स अपने नॉर्मल वाले हैं, कॉमन टाइगर बार्ब्स है, और ये आपको 180 रुपीज़ डजन में मिलेंगे। और जो वेनस है वो आपको 50 रुपीज़ का पेयर है। वेनस कौन सा है इसमें? इसमें ये वेनस वैरायटी है हाँ। ये विनस फिश है, बहुत ही फास्ट फिश है ये हाँ। और ये बेसिकली कम्युनिटी में रहना पसंद करती है। और बाकी उसमें आपको हेवन कार्प्स मिलेंगे जो 250 रुपीज़ पेयर में है, एंड गोल्डन बार्ब्स आपको 120 रुपीज़ पेयर में मिल जाएगा। इसमें सर मिक्स सिकलिड्स रखे हैं ओके, एंड उसके अंदर आपको ग्रीन टेरर अकारास जिसको बोलते हैं वो फिश है, उसके बाद कुछ फ्लोरन के पीसेस भी रखे हैं। अभी मेरे पास फ्लोरन का अच्छा खासा स्टॉक ये हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी मेरे पास जगह नहीं थी तो इसके लिए मैंने सिकलिड्स के साथ रखा है। तो ये उनमें से ही फ्लोरेंस है। यदि आप इनको सेपरेट करते हो तो हेड की ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े देर नेक्स्ट पार्ट में कि कैसा है फिश फ्लोरेंस जब मैंने सेपरेट किया। तो ये फ्लोरेंस है इसके अंदर। तो ग्रीन टेरर आपको 250 रुपीज़ पेयर में आएगा यस। एंड बाकी फ्लोरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अभी फ्लोरन फिश कवर कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा तो इनको जैसे सेपरेट रखा जाता है, इनकी आप ग्रूमिंग देख सकते हो, इनकी आप शेप देख सकते हो, बॉडी शेप। तो ये सर को क्या इंचेस है? हार्डली 1 दिन हुआ है इनको सेपरेट करके हाँ। तो इनका हेड ऐसे पॉपअप होना चालू हो जाता है सेपरेट रखते हुए, तो फ्लोरेंस को तो और अच्छा ग्रूम होता है यस। तो ये 3-4 इंच के बीच के फ्लोरेंस है और ये आपको 500 रुपीज़ पर पीस में अवेलेबल है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आया हुआ है यस, करीबन 20-25 फ्लोरेंस आपको अवेलेबल है शॉप पे अभी। तो जिसको चूज करके लेना है तो शॉप पे आके विजिट करके आप ले सकते हो यस। और कंफर्म हेड वाले फ्लोरेंस है इसमें, कोई फीमेल्स जो है वो सेपरेटली मैं आपको दे दूंगा यदि किसी को पेयर में चाहिए तो। बाकी कन्फर्म हेड वाले कलर्स भी देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो, बहुत ही सुंदर पैटर्न में है।
इसमें से दो वैराइटीज है, अगेन रेड ज्वेल्स है इसमें एंड मोनो एंजल्स है। यस, तो मोनो एंजल्स जो है वो स्मॉल साइज में है अभी। यस, बॉडी साइज इसका करीबन 1.5 इंच का आसपास होगा। तो ये आपको 200 रुपीज़ पेयर में मिलेगा। ब्रैकिश वाटर फिश है लेकिन अभी फुल्ली कन्वर्टेड है अपने कॉमन वाटर्स में, मतलब मीठा पानी में अभी कन्वर्टेड हो चुका है। तो वैसे है इसमें सर ब्लैक शॉर्टेल्स जिसको बोलते हैं, ब्लैक शॉर्टेल्स है एंड डॉलर्स है स्मॉल साइज में। और उसके बाद आपको एंजल्स का वैरायटी दिखेगा। यस, तो ये एंजल्स जो है वो आपको 50 रुपीज़ पेयर में आ जाएंगे एंड डॉलर्स जो है वो 40 रुपीज़ पेयर के हैं। यस, और आपको ये ग्रीन शॉर्टेल्स जो है वो आपका 100 रुपीज़ पेयर है। अपने नॉर्मल रेड शॉर्टेल्स हमको जल्दी मिल जाते हैं, तो ये शॉर्टेल नहीं मिलते, ये मिलते नहीं है। और ये पूरा प्रॉपरली देखोगे नहीं, लाइट्स में रखोगे तो पूरा ये स्पार्कल जैसा उनका बॉडी ये होता है, अच्छा, चमकता है। यस, और ब्लैक और ग्रीन का उनको टेक्सचर है। वैराइटीज है, शुभन किन गोल्ड है और स्ट्रिप गुरामीज बोलते हैं कॉमन गुरामीज। यस, तो स्ट्रिप गुरामीज है। शुभम किंग आपको 80 रुपीज़ पेयर में है और स्ट्रिप गुरामीज 50 रुपीज़ पेयर में है। ये शॉर्टेल्स है सर, शॉर्टेल फिश है और ये आपको आएंगे 40 रुपीज़ पेयर में। डजन लोगे तो रेट अलग रहेगा। और मॉली, मॉली फुल साइज है सर, बड़ा साइज में है, बड़ी साइज में है। यस, ये 50 रुपीज़ का पेयर है सर। वीडियो टेट्रा सर, स्मॉल वीडियो टेट्रास जो है वो आपका आ जाएगा 50 रुपीज़ पेयर में और वाइट जो वीडियो टेट्रास है वो 30 रुपीज़ पेयर में है। और सर ये माउंटेन बिनो वैरायटी है, प्लांटेशन का वैरायटी है। यस, और टेल में रेडिश होता है। कुछ अल्बिनो भी है, एक दो पीस बचे होंगे अल्बिनो के। और ये आपको आ जाएगा 40 रुपीज़ पेयर में सर। ये मोजैक गप्पीज है। यस, और मोजैक देख सकते हो साइज भी, पैटर्न देखो थोड़ा आप नजदीक लेके जाओगे तो। और ये 180 रुपीज़ पेयर में है सर। अच्छा अच्छा, 90 रुपीज़ पीस में है। तो विवेक सर इस बार भी अपने काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ लाई है हमारे व्यूअर्स के लिए। और हमेशा एक्वा वर्ल्ड एक्वेरियम स्टोर है वो जाना जाता है एक्जोटिक मॉन्स्टर एक्वेरियम फिश और रिजनेबल प्राइस के लिए जाना जाता है। बहुत सारे आपके जो वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा जो व्यूअर्स है वो अप्रिशिएट करते हैं और आप उनके लिए पूरी तरह से आप ट्राई करते हो कि उनके लिए कुछ नया वेराइटीज़ है वो हर टाइम लाए और अलग अलग जो है वो वेराइटी दिखा के उन्हें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन है वीडियो के थ्रू पास आउट हुए। यस, अभी जैसे हमने लंग फिश कवर किए थे, अभी है, अभी बहुत सारा स्टॉक भी आएगा सर। थोड़े दो नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा। यस यस, बट एक व्यूअर्स को सॉरी भी है बिकॉज क्या है, बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूँ तो मोस्ट ऑफ टाइम्स मैं साइट्स पे रहता हूँ, ओके, कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहता हूँ, तो कई बार कॉल्स या फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप उसके लिए नाराज़ ना होइए। बट जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है या फिर मेरे को वीडियोस आपको शेयर करने का मौका मिलता है तो उस समय मैं डेफिनेटली करूँगा। एंड ऐसे ही हम नए नई वैराइटीज़ सर आपके चैनल थ्रू दिखा देंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे फिशेज जो नए थे वो आपके चैनल थ्रू ही फाइंड किए थे एंड आज हमको वो सब फिशेज देखने को मिल रहे हैं। यस, तो मेरा भी यही ट्राई रहता है कि हर बार कुछ एक हटके वैरायटी अपने पास रहे और उसी हिसाब से मैं प्लान भी करता हूँ। सो और बाकी आप बहुत अच्छा काम करो कि बहुत सारे नए वैरायटीज़ आप मतलब ऑलमोस्ट सारे व्यूअर्स को एवरी वीडियोस में आप दिखाते हो एंड थैंक्स फॉर मतलब आपकी वजह से आज शॉप मेरा ऑल इंडिया कवर कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू सो मच सर। हमारा यही एक मोटिव है कि कस्टमर को घर पे बैठे फिश दिखाए, क्योंकि मैं भी एक्चुअली देखता हूँ कि हमारे मुंबई में कैसे कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ है उसमें आपको एक्वेरियम फिश की वेराइटीज़ देखने के लिए मिलती है, बट ऐसे ऐसे इंडिया में सिटीज़ है वहाँ पे एक्वेरियम शॉप तो बहुत ही मतलब रेयरली रहते हैं और वहाँ पे अगर रहे भी तो भी एकदम बेसिक्स वेराइटी रहती है। yes. तो एक उनके लिए भी अच्छा रहता है कि
वो घर बैठे फिश है वो ऑर्डर के थ्रू मंगा सकते हैं, और आप तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी दे ही रहे हो तो फिश तो उनके घर तक आप पहुँचा ही देते हो। तो अच्छा लगता है कि यहाँ से मतलब मुंबई से आप ऑल ओवर इंडिया पूरा कैप्चर कर रहे हो। यस यस सर, वो सब पॉसिबल हुआ आपकी वजह से ही, बिकॉज आई थिंक जब मैं हॉबीज था, जब मैं छोड़ा, मैं छः आई थिंक स्टैंडर्ड सिक्स से मैं पूरा ये हॉबी कवर कर रहा हूँ। Yes. तो उस समय हमको मैक्सिमम लोगों को तो गोल्ड और शार्क्स एंड गुलामीज ये वैरायटीज ही मोस्टली हमको ज़्यादा ये मतलब मालूम भी थी। हाँ, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं थी कि कौन क्या फिशेस है, वीएजर्स क्या है, सिक्लीज क्या है। तो उस समय ऐसे दिन जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, आप अभी नए वीडियोज हम देख रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे नए सिक्लीज देखने को मिल रहे हैं। yes. नए अरवानास देखने को मिल रहे हैं, नए नए अरवानास एटलीस्ट यू नो ये मोस्ट ऑफ जैसे अभी आपको मालूम है गुजरात में भी है ना, गुजरात बेसिकली आपको वेजिटेरियन सिटीज़ है तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम उनको कवर कर पा रहे हैं। यदि अपने वीडियोस नहीं जा पाते ऑनलाइन पे तो ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता था कि आज मैं मुंबई में बैठ के मैं गुजरात में अपना यू नो फिश सेल कर रहा हूँ, वहाँ के कस्टमर्स मेरे साथ बॉन्डिंग में है। और ये सब करने के दौरान मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हुई है। यू नो रिसेंटली एक मेरे हैदराबाद के भी कस्टमर्स हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई है। राजकोट के कस्टमर्स हैं, नॉट ओनली फॉर फिशेस बट अदर बिजनेसेस है एंड यू नो अदर टॉक्स टच अभी उनके साथ हो पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म आपने जनरेट करके दिया है सर, थैंक यू। एंड डेफिनेटली हम भी आपको अप्रिशिएट करें और सारे व्यूअर्स भी आप अप्रिशिएट करो सर को, बिकॉज ये काफ़ी मेहनत लेते हैं। अभी आज हम शूट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 बज गया है रात के 11 बजे सर को ऑलमोस्ट यहाँ से 3 आवर्स का जर्नी है घर जाने के लिए। तो ये सब आपके लिए कर रहे हैं एंड आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करो सर को। एंड ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे सर, न्यू स्टॉक्स जैसे अपडेट होगा मैं आपके चैनल के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी सर। तो थैंक यू सर कि आपने आपका कीमती वक्त है हमारे वीडियो के लिए दिया, वो पूरी जो वेराइटीज़ है वो अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। और भी वीडियोस आते रहेंगे एक्वावर्ड एक्वेरियम स्टोर के। तो मुझे अब इजाज़त दे दो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने की। यस सर, श्योर, थैंक यू सर।